हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अनअकैडमी के इस रोजेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा अपने स्टूडेंट से, क्योंकि ज़रा सा मैं लेट हूँ, कुछ प्रॉब्लम थी बेटा, इसलिए। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल फ्रॉम मी, एंड आई एम सो सॉरी बिकॉज आई एम लेट नाउ। मैं आप लोगों से इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा बेटा कि थोड़ा मैं आज लेट हो गया। रीज़न ये था कि कुछ ऐसी दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। खैर, तो आइए शुरू करते हैं आज का जो हम लोगों का टॉपिक है। जो जैसा कि कल हम लोग क्लास ले रहे थे, तो पहले हम लोगों ने मोहम्मद गौरी पे डिस्कस किया था। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक पर ही है। इल्तुतमिश भी कोशिश रहेगी कि आज हम लोग कंप्लीट कर लें। और मैं थोड़ा सा बेटा फिर से मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं आज थोड़ा लेट हूँ इसलिए, और प्लीज़ क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। जी 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 बेटा जी, मैं बता दूँ कि अनअकैडमी आपको कितने प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड करा रही है, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, और साथ में वो बच्चे जो अनअकैडमी ऐप जिन्होंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है अगर कोई क्लास स्पेशल क्लास हमारी होती है तो वो आप डायरेक्ट अनअकैडमी आप जो है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये सब्सक्रिप्शन प्लान है अनअकैडमी का, जिसके बारे में मैं आप लोगों को डेली बताता हूँ कि अनअकैडमी के प्लस चैनल पे अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो अनअकैडमी के दो चैनल है बेटा, एक यूट्यूब चैनल है और एक प्लस चैनल। तो प्लस चैनल पर यह होता है कि हर विषय आपको मिलेगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, वो आपको सब अनअकैडमी के प्लस चैनल पर मिलेगा एक साथ। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है ना, हिस्ट्री, साइंस ट्रेड, पूरी क्लासेस आप कर सकते हैं। साथ में ये है कि बहुत ही कम जो अमाउंट है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। या तो साल भर का एडमिशन प्लान है यहाँ पे, या फिर दो साल का एडमिशन प्लान है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, है ना। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं इसको कहते हैं गिफ्ट वाउचर, MNUS। इसको अगर आप एडमिशन के समय लिखते हैं, कॉलम में भरते हैं, तो आपकी फीस जो है वो 10% कम होकर हो जाएगी, मात्र 36,000 रुपीज ओनली। ठीक है ना, ये एक साल का प्रोग्राम। दो साल के लिए मामला ये है कि अगर आप दो साल के लिए एडमिशन लेते हैं तो अगर आप ये गिफ्ट वाउचर जो है MNUS, ये आप दिख रहा होगा आपको, ये गिफ्ट नुमा जो शक्ल है, इसको आप कॉलम में भरते हैं एडमिशन के समय, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एडमिशन, तो आपकी फीस हो जाती है ओनली 146,800 रुपीज़। तो यकीन मानिए ऑफलाइन क्लासेस से तो ये काफ़ी सस्ती है, और आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं, अपने शहर में अपने माँ बाप के साथ घर में बैठकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बेनिफिट है अनअकैडमी का। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं अनअकैडमी के प्लस चैनल पर एडमिशन लेने के लिए, वो डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन कर लें अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके, और वो अगर जो है मेरा नाम टाइप करते हैं MOHDNADIM, तो आपको वहाँ पर सब्सक्रिप्शन का पूरा ऑप्शन मिल जाएगा। ये नेम आपको टाइप करना पड़ेगा अनअकैडमी के ऐप पर, लिखना पड़ेगा, तब आपको मेरा प्रोफाइल दिखाई देगा और वहाँ पे एक कॉलम आएगा जिसमें जो है MNUS का कोड भरना होगा, फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते, एडमिशन ले सकते। ये प्रोसेस है अनअकैडमी प्लस चैनल का। और वहाँ पर बेटा एक चीज़ और बता दूँ कि अनअकैडमी के प्लस चैनल पे मेरी क्लास का जो टाइमिंग है वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनअकैडमी में अगर आप जाते हैं, मान लीजिए एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ मेरा जो क्लास का टाइम है वो 11 AM से 1 PM तक चलता है। ठीक है, और लेकिन ये है कि उसमें ये क्लास रेगुलर चलेगी, और मान लीजिए
वहाँ पर आप इसके अलावा दूसरे जो क्लास हैं जनरल स्टडीज़ के वो भी आप कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है अनअकैडमी के प्लस चैनल पे जाने का, ठीक है। तो अब जो है आइए हम लोग आज के इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक से है। बेटा आज थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा का प्रार्थी हूँ। कोशिश होगी कि कल की क्लास समय पर हो। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं ना सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, बात यहाँ पे ख़त्म हुई कि मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी कहा करता था, सॉरी मोहम्मद गौरी कहा करता था कि किसी के एकाध बच्चे होंगे, मेरे तो 1,00,000 गुलाम हैं। तो जब भी वो युद्ध पर होता था, कहीं जाता था, तो उसके 3 सबसे शक्तिशाली गुलाम थे जो उसके कार्यों को देखते थे। मैंने कल लिखवाया था बेटा ना, गजनी जो कि राजधानी थी मोहम्मद गौरी की, तो यहाँ पर जो गुलाम था उसका नाम था ताजुद्दीन यल्दुज, ताजुद्दीन यल्दुज, ये गजनी में था, ठीक है ना। दूसरा जो गुलाम था वो यहां देख लीजिए, सिंध का गवर्नर था, वो था नासिरुद्दीन कुबाचा। इसको नोट करना है आप लोगों को, लिखना भी है। और तीसरा जो गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए ये जो ज़माना था बेटा, इस ज़माने में गुलाम रखे जाते थे, लोग शौकिया गुलाम रखते थे, गुलामों की ख़रीद और बिक्री हुआ करती थी। एक बात तो है, हम जिस ज़माने में जी रहे हैं इस ज़माने में ये जो गुलामी प्रथा है ये समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी भारत में कहीं कहीं बधुआ मजदूरी प्रथा दिखाई दे जाती है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। और सरकार इस तरह के बहुत से कानून बनाती है जिसमें बधुआ मजदूरी जो प्रथा है इसको रोका जाए। तो आज भी ये चीज़ आप देखते हैं ना कि आज भी हिंदुस्तान में कहीं कहीं ये बधुआ मजदूरी प्रथा दिखाई दे जाती है। उस ज़माने में ये खुलेआम होता था, लोग गुलाम रखते थे। अब गुलामों की अलग अलग श्रेणियाँ थी, लोग नौकर चाकर रखते थे, खाना बनाने के लिए रखते थे, खेतों में काम करने के लिए रखते थे, व्यवसाय के लिए रखते थे। तो उस जमाने में पूरी दुनिया में ये आम बात थी, ठीक है स्टूडेंट। बेटा मेरी आवाज़ आ रही होगी मैं उम्मीद करता हूँ, और जी हाँ क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आई हो। थोड़ा सा मैं अपने स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा, जी हाँ ठीक है बेटा। तो यहाँ मैं बता रहा था सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है ना, कि उस ज़माने में जो गुलामी प्रथा थी वो बहुत ज़्यादा खुलेआम थी। आज के ज़माने में क्या है कि आज के ज़माने में ये पूरी तरह क्या है, बैन है, आपको पता ही होगा कि जी शुक्रिया। तो आज आप लोगों को पता ही होगा कि आज के ज़माने में ये गवर्नमेंट इसको बैन करती है और इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाती है। तो मोहम्मद गौरी की मौत जो है, कहा जाता है कि खोखर जो जनजाति थी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर रहती थी, ये तो मैंने कल डिस्कस किया था ना, याद होगा आप लोगों को, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो खोखर जनजाति थी उसका समूल विनाश हो गया था। एक तरह से युद्ध हुआ जिसमें ये ख़त्म कर दिए गए, और यहाँ से मोहम्मद गौरी जो है वापस लौट रहा था, ठीक है ना, यहाँ से वो वापस लौट रहा था और जा रहा था गजनी की तरफ, ठीक है ना। गजनी जब वो जा रहा था तो रास्ते में ही शाम का समय था, और एक तरह से कहा जाए कि शाम के समय वो पूजा कर रहा था, उसी दौरान पीछे से किसी शत्रु ने उसके उसे छुरा मार दिया था। कहते हैं कि पूजा के दौरान ही उसे छुरा मार दिया किसी दुश्मन ने, और वो वहीं गिरा और उसकी मौत हो गई।
ठीक है ना। तो मैं बता रहा था कि इस तरह से 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो इसको बेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। और ये जो है भारत से गजनी जाते समय रास्ते में कहीं मरा था, किताबों में एग्जैक्ट जो है लोकेशन तो नहीं ट्रेस है, लेकिन 1205 में उसकी मौत हुई, ये क्लियर है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, लिख लीजिएगा, मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1205 में भारत से गजनी जाते समय रास्ते में हो गई और उसकी हत्या की गई थी। बहुत से स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर कई बार मुझसे प्रश्न बच्चों ने पूछा कि सर जो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है, पृथ्वीराज रासो जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने मारा, अंगुल अष्ट प्रमाण तान पर सुल्तान है मत चूको चौहान, इस तरह से है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको तो पता ही होगा बेटा कि हिस्ट्री जो है वो सबूतों पे चलती है, साक्षियों पे चलती है, और कवियों का क्या है कि कवियों ने बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं। तो इस पर क्या है कि ये चीज़ जो है हम लोग इस पर डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ हिस्ट्री के उसमें, क्योंकि आपको पता ही है कि पृथ्वीराज चौहान या तो बहुत पहले मर गया था या बीच में उसकी मृत्यु हुई और मोहम्मद गौरी की हत्या की गई थी, किसी व्यक्ति ने उसे मारा था, और एब्सोल्युटली वो पृथ्वीराज चौहान तो नहीं था, ये कंफर्म है। तो यहां तक आप लोगों ने देखा। अब क्या है कि जब मोहम्मद गौरी की मौत हो गई, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, तो पूरे गजनी साम्राज्य में एक तरीके से सन्नाटा छा गया, ठीक है ना, सन्नाटा छा गया पूरे गजनी साम्राज्य में कि क्या होगा, क्योंकि भाई सुल्तान की तो मौत हो गई और सुल्तान के कोई बच्चे तो थे नहीं, औलाद तो थे नहीं, तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया कि भाई क्या होगा। लेकिन उसके गुलामों ने इस वक्त वाकई में, मोहम्मद गौरी कहा करता था कि मेरे मरने के बाद मेरे गुलाम मेरे शासन को संभालेंगे, तो ये बिल्कुल सही था। गजनी से यलदूज ने, और मैंने लिखवाया है बेटा अभी कि गजनी से यलदूज ने, ताजुद्दीन यलदूज पूरा नाम था इसका, गजनी से यलदूज ने और सिंध से नासिरुद्दीन कुबाचा ने और फिर भारत से कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाल लिया गजनी साम्राज्य। कहा जाता है कि 1206 ईस्वी में, यानी मोहम्मद गौरी के मरने के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐलान कर दिया कि वो भारत का सुल्तान है, और इस तरह से उसने सल्तनत की स्थापना कर दी और वो भारत का पहला सुल्तान बन गया। तो नोट कर लीजिएगा कि 1206 ईस्वी में ऐबक भारत का प्रथम सुल्तान बना, भारत का प्रथम सुल्तान बना, भारत का प्रथम सुल्तान बना। अब यहां पर एक मसला आता है कि चूंकि गुलाम जो है ऐबक एक गुलाम था, और आपको पता ही होगा कि ये जो पूरा टॉपिक है इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, आप जानते ही। तो यहाँ पर एक विषय आता है, एक चीज़ आता है कि भाई गुलाम कैसे सुल्तान बन सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ जो कानून था उसके अनुसार गुलाम के सुल्तान बनने पर मनाही थी, गुलाम जो है कभी सुल्तान नहीं बन सकता। तो किताबों में आता है कि ऐबक ने अपना एक दूत जो है वो भेजा था मध्य एशिया, और मध्य एशिया में उसने मोहम्मद गौरी के किसी रिश्तेदार से ठीक है ना मोहम्मद गौरी के एक रिश्तेदार से उसने एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया था, ठीक है ना बेटा, मोहम्मद गौरी का कोई रिश्तेदार था, रिलेटिव था, उससे उसने एक परवाना, प्रशस्ति पत्र को कहते हैं परवाना, परवाना मतलब क्या होता है, एक प्रकार का लेटर होता था जिस पर लिखा गया था कि मैं सर्वसम्मति से ऐबक को गुलामी के पद से आज़ाद करता हूँ और वो स्वतंत्र, यानी ऐबक ने एक परवाना जो है वो मंगा लिया था
मध्य एशिया से, मोहम्मद गौरी के एक रिश्तेदार से, रिलेटिव से। तो इस तरह से भी ये साबित हो जाता है कि जो ऐबक था वो सुल्तान बनने के समय गुलाम नहीं था। इसको हमेशा बेटा याद रखना है, कोई कितना भी लॉजिक दे लेकिन एनसीईआरटी को हमेशा सामने रखिएगा। एनसीईआरटी, कभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो हिस्ट्री में, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप एनसीईआरटी रखना और मध्यकाल के लिए यानी मेडिवल हिस्ट्री के लिए बेटा एनसीईआरटी का नाम आप लोग लिख लीजिए। मध्यकाल के लिए जो एनसीईआरटी होगी वो होगी डॉक्टर सतीश चंद्रा, नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए मेडिवल हिस्ट्री की, है ना। ये क्लास अलेवेंथ की एनसीईआरटी है, इसको आप लोग ले लीजिएगा, ये बहुत सस्ते में आपको मिल जाती है। लेकिन शर्त ये है कि पुरानी वाली बेटा, नई वाली एनसीईआरटी नहीं, ओल्ड वाली। कुछ लोगों ने ब्लैक स्वान के नाम से भी ये एनसीईआरटी छाप दिया है तो वो भी चलेगा, क्योंकि वो भी डॉक्टर सतीश चंद्रा का ही है। ठीक है ना, तो ये एनसीईआरटी आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप केवल पढ़ रहे हैं और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं, देखिए जो किताब होती है बेटा वो बहुत बड़ी बड़ी मायने रखती है। यहाँ पे क्लास के बाद कमरे पर आप प्रैक्टिस करिए, आप खुद से उसको पढ़िए, चूँकि मैं मेरी कोशिश होगी कि बहुत ही गहराई से काफ़ी डेप्थ में जाके चीज़ों को क्लियर कर दूँ, लेकिन एक बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जाहिर सी बात है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि अभ्यास ही व्यक्ति का सबसे बड़ा गुरु होता है और अभ्यास से बड़ा कुछ नहीं होता। आपको याद ही होगा कि जब जंगल में जो है सारे कौरव और पांडवों को लेके ये गए, तो उस जमाने में प्रैक्टिकल नॉलेज की बात होती। कहा जाता है कि जंगल में ये लोग जब घूम रहे थे, वो अचानक एक बहुत खतरनाक कुत्ते जैसी आकृति वाला जानवर था जो बहुत तेजी से उसने जंप किया, इतनी भयानक जंप किया कि अगर वो नीचे आता तो शायद किसी के ऊपर झपट्टा मार देता। लेकिन इससे पहले ही जो है लोगों ने देखा कि तीरों का एक गुच्छा उसके मुंह में समा गया और वो धप से नीचे गिरा और इधर उधर ताक। कुत्ता भी बड़ा कन्फ्यूज था कि कमाल है यार, मारने वाले ने गजब का मारा है कि मुँह से एक कतरा खून भी नहीं गिरा और कुत्ता मरा भी नहीं, और देखने वाले भी आश्चर्यचकित थे कि कमाल है, जिसने भी मारा होगा गजब की उसके अंदर कला है। बल्कि द्रोणाचार्य भी हैरान थे क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ इस तरह की नॉलेज नहीं थी, और अर्जुन के तो मुंह से निकल गया कि असंभव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहर कैब द्रोणाचार्य ने सोचा कि जरूर कोई है, उन्होंने आवाज़ लगाया कि जो भी कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है वो बाहर निकल के आए, ये मेरा आदेश है। तो एक बच्चा जो है निकला, जो कि आधा शरीर ढका हुआ था छाल से, आधा नंगा था, बाहर आया, उसने आके पैर छुआ, आशीर्वाद लिया गुरु का, उसने कहा कि गुरुदेव मैं ही था। द्रोणाचार्य ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि यार एक बात बता, तुमने जिस कला का प्रदर्शन किया तो मैं भी नहीं जानता, वो कौन तुम? और वास्तव में उस जमाने में द्रोणाचार्य का नाम चलता था। उस बच्चे ने कहा कि गुरुदेव मैं कोई और नहीं बल्कि मैं एकलव्य हूँ। आज से याद करिए, 15 से 16 साल पहले मैं आपके आश्रम में आया था, लेकिन आपने ये कह के मुझे हटा दिया कि मैं एक शूद्र हूँ, भील हूँ। लेकिन गुरुदेव मैंने भी ठान लिया था कि जब भी गुरु मानूंगा तो आपको, तो मैंने आपको तो गुरु उसी दिन मान लिया। मैं जंगल में आया, मैंने एक प्रतिमा आपकी बनाई और इसी के सामने सुबह से शाम तक मैं अभ्यास करता। देखिए बेटा, मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को इसलिए बताता हूँ, सिर्फ आप पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं ले पाए अगर आपके अंदर आग नहीं। यूपीएससी कोई बच्चों का खेल नहीं बेटा, ये दीवानगी का नाम है, याद रखें। ये बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल उनके लिए है जो इसको जो है बहुत इजी टैकल करते हैं। मैं एक लाइन में आपको बता दूं, ये देखिए, मैं आप गुरु जो होता है वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप यूट्यूब पे हों या अनअकैडमी के प्लस चैनल पे हों, आप हैं तो हमारे शागिर्द। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप मजाक में ले रहे हो इसको तो फिर मुश्किल है बेटा, टाइम बीत जाएगा, समय निकल जाएगा, कुछ हाथ नहीं आना। और अगर आप सीरियस हो तो ये समझ लो कि यूपीएससी दीवानगी का दूसरा नाम है। अगर आपके अंदर दीवानगी और जुनून है
तो मेरा दावा है कि आप पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करो। और दीवानगी क्या होती है ये आप खुद समझ सकते हो। दीवानगी का मतलब होता है कि इंसान जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड हो उसके प्रति, ना आगे ना पीछे कुछ नहीं सोचता हो। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। तो यहाँ पर एक बात मैं कहूँगा आपसे कि यूपीएससी दीवानगी का नाम है और 4 अक्टूबर प्रीलिम की डेट आ गई है। आप लोगों को पता ही होगा 4 अक्टूबर से ISPT की परीक्षा है। तो जो लोग देने जा रहे हैं उनको मुबारकबाद मेरी तरफ से बहुत बहुत, साथ में शुभकामनाएं। तो यहां मैं बता रहा था कि द्रोणाचार्य ने उस बच्चे को, बच्चा लेके गया द्रोणाचार्य, उस बच्चे का नाम एकलव्या था, वो लेके गया आश्रम में। आश्रम में उस बच्चे ने दिखाया, अपनी कुटिया में दिखाया कि देखिए गुरुदेव, यह आपकी प्रतिमा मैंने लगा रखी है। और वहां पर उसने बताया कि मैं अगर कोई भी काम, कोई भी मैं पैतरा सीखता था, कोई भी मैं स्टाइल सीखता था तीरंदाजी के, तो तब तक मैं सीखता था जब तक कि मैं पूरी तरह से उसे कंप्लीट नहीं कर लेता। यानी मुझे रातों में नींद नहीं आती थी जब तक वो विद्या में सीख नहीं लेता। तो यहाँ आप समझ रहे ना, यहाँ पे मसला क्या है कि यहाँ आप मान लीजिए आपने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा तो कमरे पर आपको इसको रिवाइज करना है। इसको तब तक रिवाइज करो जब तक कि आपके व्यूज डेवलप ना हो जाए, आपकी सोच विकसित ना हो जाए, तब जाकर ये टॉपिक आपका तैयार होगा। 10 किताबों से बढ़िया है 1 किताब को 10 बार पढ़ना। तो द्रोणाचार्य ने वहाँ अर्जुन की तरफ देखा और कहा कि बस एक बात तो जान लो कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है, इसको ध्यान दो और प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। इंसान का सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो अभ्यास होता है। तो अगर आप अभ्यास नहीं करते तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ा लूप होल है। केवल पढ़ना नहीं है बेटा, कमरे पर अभ्यास भी करना है। अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हो, अपना टीचर मानते हो, तो मैं एक ही बात आपसे बोलूँगा कि कमरे पर जाकर, मैंने क्लास ख़त्म होने के बाद, आप रूम पे अभ्यास ज़रूर करो, प्रैक्टिस ज़रूर करो, इट्स ओके। तो अब यहाँ पे मैं बता रहा था आप लोगों को कि ऐबक जो है वो सुल्तान बन गया था 1206 में। अच्छा, इस ज़माने में आप देखेंगे कि सल्तनत के 2 केंद्र थे, एक तो दिल्ली थी और दूसरा लाहौर। सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी, ठीक है, लेकिन 2 राजधानियां उस जमाने में थी। एक लाहौर भी राजधानी के तौर पे डेवलप की गई थी। चूंकि आपको पता ही होगा कि दिल्ली के सुल्तान, ये वर्ड्स आता है इनके लिए, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली भी कैपिटल थी उस जमाने में, लेकिन लाहौर को भी डेवलप किया था इन लोगों ने। क्यों? ऐबक ने ज्यादातर जो समय है, ऐबक ने ज़्यादातर जो समय बेटा वो लाहौर में ही व्यतीत किया। कारण क्या था? यहाँ पे एक प्रश्न देखिए, आईएएस का जो सवाल आता है उसमें गहराई होती है, क्वेश्चन में गहराई होती है यूपीएससी के, आईएएस के, कि भाई ये बताइए कि लाहौर में क्यों रहा भाई, जब दिल्ली उन्होंने राजधानी के तौर पे डेवलप कर लिया था, मान लिया था कि दिल्ली में शासन करना है, तो लाहौर क्यों? एक प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि भाई अभी भी जो दिल्ली थी वो गजनी से डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी। अभी भी गजनी से ताजुद्दीन यल्दूज जो वहाँ का गवर्नर था वो निगाह दिल्ली पे रख रहा था। यल्दूज ने कई बार लेटर भेजा था ऐबक को कि देखो भाई, मैं गजनी में हूँ, मैं सेंटर में हूँ, ये राजधानी है गौरी की, तो ये हमारा कैपिटल है और भारत उसका एक पार्ट है, सल्तनत एक पार्ट है, तो इसको क्या करो, तुम वहाँ गवर्नरी करो, लेकिन खुतबा मेरा पढ़ो, नाम मेरा लो, मेरी अधीनता को स्वीकार करो, ठीक है ना। तो एक तरह से गजनी का प्रेशर जो है वो इंडियन सल्तनत के ऊपर मौजूद था। जाहिर सी बात है, सिंध भी था बगल में, यहाँ का जो गुलाम था नासिरुद्दीन कुबाचा वो भी प्रेशर बना रहा था ऐबक पे, वो भी कह रहा था कि भैया देखो, हम जो है सबसे नज़दीक हैं, इसलिए हमारी अधीनता को तुम पहले स्वीकार करो। तो ऐबक के ऊपर बड़ा दबाव था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दबाव था। सिंध का गवर्नर कुबाचा भी उस पर प्रेशर बना रहा, तो बहुत ज़्यादा दबाव था ऐबक के ऊपर कि भाई क्या किया जाए। तो ये कंडीशन थी उस ज़माने में। तो लाहौर की पोजीशन ऐसी थी कि यहाँ से, लाहौर की पोजीशन ऐसी थी कि यहाँ से जो है गजनी पर भी निगाह रखी जा सकती थी और सिंध पर भी निगाह रखी जा सकती। यही कारण था कि जो ऐबक था वो लाहौर में स्टे था, वो दिल्ली से उसने शासन नहीं किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया
वो कौन सा दिल्ली का सुल्तान है जिसने दिल्ली से कभी शासन करने का अवसर नहीं मिला? तो ही वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा बेटा कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसे कभी दिल्ली से रूल करने का, शासन करने का अवसर नहीं मिला। इसको आप लोग नोट कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें बेटा क्लियर हो रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप लोग नोट करें क्योंकि जो प्रश्न आएंगे ना, क्वेश्चन जो आएंगे ना, उसमें काफी डेप्थ होगा, गहराई होगी। तो ये लाहौर में ही रहा। अच्छा, शासन को अगर आप देखोगे कि किस तरह का शासन व्यवस्था थी उस जमाने में, तो यकीन मानिए पूरे सल्तनत पर, क्योंकि सल्तनत अजमेर, राजस्थान में अजमेर और उत्तर भारत में बनारस तक माना जाता है कि प्रत्यक्ष नियंत्रण नियंत्रण था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो शासन जो था पूरी तरह सैनिक शासन पर आधारित। कैसा था बेटा? पूरी तरह से सैनिक शासन था, पूरी तरह मार्शल लॉ था। क्लियर हो रहा है ना? पूरी तरह से सैनिक शासन था। यहां पर टैक्स लेना हो तो सैनिक जाते थे और जाने के बाद जो है सैनिक किसानों पर प्रेशर लगाते थे और फिर वो टैक्स लेते। मतलब एक तरीके से सब कुछ आर्मी, मार्शल लॉ, सब कुछ आर्मी के ऊपर डिपेंड था। चूंकि दिक्कत ये थी ना, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक अनेबल पर्सन था, क्या उसके अंदर सलाहियत नहीं थी, समझदारी नहीं थी, उसने कोई शासन व्यवस्था नहीं बनाया, कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, कोई रिवेन्यू सिस्टम नहीं था, तो क्या कहेंगे उसको आप? तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रेशर जो होता है ना बेटा, जब आदमी के ऊपर प्रेशर आता है तो आदमी उस प्रेशर में सोचता है क्या। अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बहुत अर्जेंट चीज़ हो, उसका प्रेशर आते हो, और भी बहुत से काम होते, तो आदमी ना सबसे पहले उस अर्जेंट चीज़ के प्रेशर को टैकल करना चाहता। मतलब यह है कि यहां पर एथिक्स ये था कि सबसे पहले बाहरी दुश्मनों को सल्तनत से दूर करना। और बाहरी दुश्मन कौन थे? गजनी का शासक था यल्दूज और सिंध में नासिरुद्दीन कोवाचा। इनको रोकना बहुत जरूरी था। अगर ये इंडिया में आ जाते तो ऐबक का शासन खत्म हो जाता। इसलिए भी वो इनके ऊपर कंट्रोल करने का ज्यादा इंतजाम कर रहा था, बनिस्बत इसके कि वो यहां पर प्रशासन और जो रिवेन्यू सिस्टम है उसके डेवलप करने। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैं एक चीज बताऊंगा आपसे कि एक तरह से बहुत ही ज्यादा दबाव था ऐबक के ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज ये भी थी कि भारत के जो राजा थे उन पर भी प्रेशर लगा, उन पर उन्हें भी दबाव में रखा गया था, उन्हें दबाया गया था, उनको जबरन पराजित किया गया था, इनका भी मामला था। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है बेटा कि घर का जो मुखिया होता है वो भले ही परिवार के लिए बहुत कुछ ना करे, लेकिन परिवार को परिवार के रूप में समेटना बहुत बड़ा काम होता है। लोग क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि फलाना के टाइम में, फलाना साहब के जब हमारे फैमिली में थे तो उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे भाई, आप बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। फैमिली प्रेशर जो है उसको झेलना, सिस्टम के प्रेशर को झेलना बहुत बड़ी बात। कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जो हालात कंट्री के हैं, क्वेश्चन मार्क उठाए जाएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, कैसे किया। देखिए जो कंडीशन है कंट्री के जमाने में इस वक्त, बहुत बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर, और इस प्रेशर को वो टैकल करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस पीरियड में इंडिया सेफ है, भारत सेफ है, इसको हम एक पॉजिटिव वे में लेंगे, इस समय गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, चाहे आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हों, लेकिन जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को सपोर्ट करना जरूरी है। तो यहां पे मैं एक चीज बता रहा था आपसे, यहां पर एक चीज बेटा मैं बता रहा था, ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा दबाव था ऐबक के ऊपर, प्रेशर बहुत था। एक तरफ तो इंडिया के बाहर का प्रेशर था जो गजनी और सिंध से आ रहा था उस पे, दूसरा प्रेशर इंडिया के राजाओं का था, वो भी जो है विद्रोह करने पे आमादा थे, उनको भी कंट्रोल करना, भारत में कोई सिस्टम नहीं था उस सिस्टम को भी देखना। तो इट वाज अ वेरी क्रिटिकल
टाइम इन फ्रंट ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, और इस समय इस सिचुएशन को अगर आप गौर कर लो, इस कंडीशन को गौर कर लो, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि रियली सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ सल्तनत, ही वाज द एस्टेब्लर ऑफ सल्तनत। बहुत बड़ी चीज है बेटा, शांति के समय में जब खुशहाली हो, जब मौसम भीगा भीगा हो तो मज़ा बहुत आता है, लेकिन कड़ी धूप में और लू चल रही हो और टेम्परेचर इतना हाई हो, उस समय कंट्रोल करने में कितनी सज़ा मिलती है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते। तो किसी भी रूलर को, किसी भी पॉलिटिशियन को अगर आपको जांचना हो तो उसका टाइम देख लो कि व्हाट वाज द टाइम, कैसा व्हाट वाज द सर्कमटेंसेस, कितनी जो सर्कमटेंसेस थे, जो परिस्थितियाँ थी वो कैसी, इसको देखो, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ही वॉज गुड, वो अच्छा था, उसने बहुत अच्छी तरह चीज़ों को कंट्रोल किया, ये उसकी उपलब्धि थी। तो अब यहाँ पे मैं बता रहा था कि ठीक है, इन्होंने कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन क्या ये कम उपलब्धि थी कि उसने सल्तनत को बचा लिया, ही सेव द सल्तनत, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। अच्छा, कहा जाता है कि एक दिन की बात है, वो लाहौर में ही था और वहां पर चूंकि पोलो खेल होता था उस जमाने में, चौगान कहते थे इसको, पोलो नाम का एक खेल होता था जिसे कभी कभी चौगान भी कहा जाता है ना, तो वो पोलो खेल रहा था लाहौर में, और नोट कर लीजिएगा बेटा, पोलो नाम का एक खेल होता था, इसको ना चौगान भी कहते थे। कहा जाता था कि ये 1210 ईस्वी की बात है, ऐबक जो है वो पोलो या चौगान नाम का खेल खेल रहा था लाहौर में, यहीं पर अचानक वो स्लीप कर गया घोड़े से, और उस स्लीप करने में उसके गर्दन की हड्डी जो है वो टूट गई और वो सडन उसकी मृत्यु हुई, 1210 में उसकी मृत्यु हुई। समझ में आ गया, अचानक वो मर गया और सब छोड़ छाड़ के चला गया, एक तरह से पूरे सल्तनत में उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि अब क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन आफ्टर हिम, उसके बाद क्या होने वाला, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था ये सल्तनत। तो इसको बेटा नोट करना है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई लाहौर नामक स्थान पर, जब वो पोलो नामक खेल खेल रहा था, घोड़े से गिरने से उसके गर्दन की हड्डी टूट गई और वो अचानक उसकी मृत्यु हो गई। तो इसको आपको नोट करना है, ठीक है ना, इसको आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। अब जो है मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या इतनी सी बात के लिए, 4 साल का शासन था बेटा, स्क्रीन पे देखिए आप लोग, 1206 से 1210, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम था, 4 साल का शासन था, ये भी तो देखिए इतने कम समय के लिए वो शासक रहा, तो क्या 4 साल के शासन ने उसको अमर बना दिया, क्यों सल्तनत में उसे याद करते हैं हम, क्यों अब भी पढ़ रहे हैं? सबसे बड़ी चीज है कि बेटा वो प्रेशर, वो दबाव जो उसने झेला, आज आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हो, आप सेलेक्ट हो जाओगे, पता है क्या होगा, आपको लोग कभी भूल नहीं पाए, लोग मिसालें देंगे आपकी, यकीन मानो, जिस दिन सिलेक्शन होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन सब लोग आपकी तरफ देखें। कारण, कारण ये है कि आपने एक बहुत बड़ा प्रेशर झेला है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की है, बहुत सारे जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे। तो क्या इतना ही नहीं, और भी बहुत से काम थे उसके, कुछ सांस्कृतिक कार्य थे जिसके लिए उसे याद किया जाता है। मैंने क्या कहा बेटा, इंसान दुनिया से चला जाता है लेकिन उसके जो कर्म होते हैं ना, वो कभी मरते नहीं। अगर अच्छा करोगे तो भी सही रहेगा, बुरा होगा तो भी सही रहेगा, वो भी जिंदा रहेगा। इंसान अच्छा करके जाता है तो डेली लोग दुआएं देते हैं, और बुरा करके जाता है तो डेली बददुआएं देते हैं। तो जो बुरा करके जाता है वो दिन हर दिन मरता है, और जो अच्छा करके जाता है वो हर दिन जिंदा रहता है। ये फर्क है अच्छे और बुरे कर्म। तो यहाँ पे हम
डिस्कस कर रहे हैं कि एबक जो था उसके और भी कौन कौन से काम थे, क्या किया उसने कि 4 सालों के लिए जिंदा हो गया, 4 सालों के बाद भी वो जिंदा हो गया और आप और हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो आइए हम लोग देखा जाए कि उसकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों की हम लोग बात करेंगे, है ना। तो हेडिंग डालिए सांस्कृतिक उपलब्धियां, ओके, सांस्कृतिक उपलब्धियां। यहां पे देखिए हम सबसे पहले बात करें, आप अगर दिल्ली अगर कभी आप गए हो तो दिल्ली में जाहिर सी बात एक जगह है मेहरौली, यहां पर है एक बहुत ही बेहतरीन स्मारक जिसका नाम है कुतुब मीनार। जी हाँ, कुतुब मीनार तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो फिल्मों में या फिर फोटोग्राफी में तो देखा ही होगा, फोटो में देख रहे हैं। इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्वेश्चन आएगा कि हु वाज एस्टेब्लर ऑफ कुतुब मीनार फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो आप कहेंगे कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ठीक है ना बेटा, इसको नोट करना है। चूंकि अच्छा प्रॉब्लम ये है कि कुतुब मीनार जब बन रहा था तभी जो है ऐबक की मौत हो, तो काम अधूरा रह गया, तो उस काम को पूरा कराया शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सुल्तान बना, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे देखिए कुतुब मीनार पे कई सवाल। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है यहां पर कि कुतुब मीनार जब बना था तो इसमें केवल 3 माले थे, 3 तल्ले थे, देख रहे हैं आप लोग, ये नीचे वाला 1 माला, 2 माला, 3 माला, 3 तल्ले थे, लेकिन इसमें 2 तल्ले और जुड़वाए गए और इसे जुड़वाने का कार्य किया था फिरोज शाह तुगलक ने। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के जमाने में शासन काल में एक बार कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई, तो कुतुब मीनार गिर गया था, बीच से क्रैक हो गया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने न केवल इसका जीर्णोद्धार कराया बल्कि इसमें 2 माले और जोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरह से कुतुब मीनार में कुछ कुल 5 तल्ले हैं, कुछ कुल जो है 5 माले हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, 5 माले फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनवाए गए, ठीक है ना, कुल 5 माले। कुतुब मीनार में कुल कितने माले बेटा, 5 माले, जिसमें से 3 माले का निर्माण, 3 तल्ले का निर्माण पहले हुआ, 2 तल्ले जो है वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनवाए गए। अब यहां पे देखिए कुछ चीजें और मैं बताऊंगा। पहले क्या होता था बेटा कि पहले वो तो मीनार में सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियां टोटल कितनी है बेटा, 79 सीढ़ियां हैं इसमें, 279 स्टेयर्स, 279 कुल सीढ़ियां हैं इसमें कुतुब मीनार में, नोट कर लीजिएगा इसको, कुतुब मीनार में कुल 279 सीढ़ियां। पहले क्या था कि कुतुब मीनार के अंदर जो है आप जा सकते थे ऊपर, एकदम उसके टॉप फ्लोर पे लोग जाते थे, जाके पूरा दिल्ली शहर यहां से दिखाई देता था, है ना, इतना ऊंचा है ये तो पूरा दिल्ली शहर यहां से दिखाई देता था। लेकिन बाद में चल के क्या हुआ कि कुछ लोग इसी पे सुसाइड करने लगे, किताबों में आता है उस जमाने में लोग जाके इस पे कूदने लगे, और आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा देखेंगे तो स्मारकों को नुकसान, कुछ लोग सुसाइड करने लगे। सुसाइड का क्या रीज़न था, अक्सर लोग इस पे सुसाइड कर लेते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, ब्लॉक कर दिया सीढ़ियों को, आप देखेंगे ना तो कुतुब मीनार के चारों तरफ जो है जाली वो चेन लगा दिया गया लोहे का, ताकि कोई इसके अंदर जा ना सके, दरवाजा इसका लॉक कर दिया, ठीक है ना। यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ, चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो आध्यात्मिक गुरु थे, यानी आप कह सकते हैं कि भारत के पहले सूफी संत भारत के पहले सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य और दिल्ली के पहले सूफी संत हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस समय दिल्ली में मौजूद थे। दिल्ली के पहले सूफी संत का नाम क्या है बेटा, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं की याद में कुतुब मीनार बनवाए गए। ये दिल्ली के पहले सूफी संत थे और बहुत ही ज्यादा फेमस थे ये, है ना।
हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के पहले सूफी संत थे, इनकी याद में कुतुब मीनार बनवाया गया, चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो इनका शिष्य था, आध्यात्मिक शिष्य था, तो बनवाया गया था इन्हीं की याद में। और आप अगर दिल्ली गए हों, मेहरौली गए हों, तो मेहरौली से बिल्कुल सटे हुए, कुतुब मीनार से बिल्कुल सटे हुए अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो मज़ार है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो यहीं मौजूद है इसी प्रांगण में। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, बेटा क्लियर हो रहा होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार को बनवाया गया। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है वो इतने प्रसिद्ध सूफी संत थे, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज यानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे ये लोग। जो है कहा जाता है कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मध्य एशिया में मावराउन नहर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बेटा? मावराउन नहर, यहां से आए थे मध्य एशिया। तो इतने प्रसिद्ध सूफी संत थे कि कुछ बात ऐसी हो गई कि इन्होंने दिल्ली से जाने का इरादा कर लिया, दिल्ली छोड़ने का इरादा कर लिया और यहां से जाने लगे। किताबों में आया है कि दिल्ली छोड़ के जाने लगे अपने शिष्यों के साथ। तो लोग जो है उनको सी ऑफ करने दिल्ली के दरवाजे पे, मैंने बताया था कि दिल्ली जो थी वो चारों तरफ से घिरी हुई थी, है ना, चारों तरफ से दीवार से घिरी हुई थी, और कोतवाल जो है वो दिल्ली की सुरक्षा करता था। तो लोग ना दरवाजे तक आए, सी ऑफ करके चले गए। जब राजस्थान की तरफ ये बढ़ गए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने शिष्यों के साथ, इन्होंने देखा कि पीछे जो है धुआं उठ रहा है, धूल उड़ रही है, तो ये लोग रुक गए कि भाई क्या बात है, आंधी आ रही है। जब रुके तो इन्होंने देखा कि वही लोग जो छोड़ के गए थे पीछे पीछे आ रहे। इन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, आपने तो हमें दिल्ली के दरवाजे तक छोड़ दिया, अब आप पीछे क्यों आ रहे? तो उन लोगों ने बताया कि सूफी संत दरअसल आपको छोड़ने के बाद जब आप चले गए तो फिर बाद में हमें एहसास हुआ कि हम आपके बगैर नहीं रह सकते। अब यहाँ मसला ये, या तो आप हमारे साथ दिल्ली चलिए या हमको भी वहीं ले चलिए जहाँ आप जा रहे। तो आखिरकार हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वापस दिल्ली आए और यहीं रह गए। इनकी जो मज़ार है, इनकी जो दरगाह है, वो दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर स्थित है। अगर कभी आप मेहरौली जाइए तो वहाँ भी जाइए, मज़ार पे भी जाइए, आप दर्शन करिए। तो ये मामला है, ठीक है ना। तो कुतुब मीनार का जो संस्थापक था, जो स्टैबलर था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। इसको पूरा कराया शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह के तुगलक के शासनकाल में दो तल्ले और इसमें जोड़े गए। अब कुतुब मीनार में जो टोटल तल्ले आपको दिखाई देते हैं, टोटल जो बिल्डिंग दिखाई देती है वो कितनी है बेटा? पांच, टोटल पांच। नीचे से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। ये पहला सांस्कृतिक जो उपलब्धि है इसकी, ठीक है ना। अब जो है यहां पे देखिए, कुतुब मीनार के बाद अगर आप देखोगे तो कुतुब मीनार के बाद अगर हम बात करें, यहां पे देखिए, तो आपको मैं बताऊं कि ऐबक ने कुछ श्रेय जाता है, अजमेर में उसने एक स्मारक बनवाया, एक इमारत बनवाई जिसका नाम है ढाई दिन का झोपड़ा। ये देख रहे हैं बेटा स्क्रीन पे, इसको कहते हैं ढाई दिन का झोपड़ा। ये अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा, ये कहाँ है बेटा? ये अजमेर में, ठीक है ना। ढाई दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ढाई दिनों में बना था, इसलिए इसको कहते हैं ढाई दिन का झोपड़ा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई स्मारक है जो अजमेर में स्थित है, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि पहले ये एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, जिस जगह पे इसका निर्माण हुआ है उस पाठशाला का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा यानी पूर्वज विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था।
ऐसा किताबों में आता है। ये भी कहा जाता है कि आज भी कहीं कहीं जो है विग्रहराज चतुर्थ एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कई नाटक लिखे जिसमें से उनका एक नाटक है हरी केली, तो इसके भी दृश्य जो है कहीं कहीं देखे जाते हैं, ऐसा लोग बताते हैं, किताबों में लिखा है। मैं चूंकि इस जगह पे नहीं जा पाया बेसिकली जो है देखने के लिए, तो खैर कुतुब मीनार तो मैं बार बार जाना होता है वहाँ पर, तो ये चीज़ बताया जाता है ढाई दिन के झोपड़े के बारे में। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दूसरा निर्माण था वो ढाई दिन का झोपड़ा था। ये अजमेर में स्थित है, ये अजमेर में स्थित है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और हम लोग बात करें कि ढाई दिन के झोपड़े के अलावा अगर प्रश्न आए कि भारत की पहली मस्जिद का नाम बताइए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट मस्क ऑफ इंडिया, भारत की पहली मस्जिद का नाम बताइए बेटा, तो आपका आंसर होगा कुवतुल इस्लाम मस्जिद। नोट कर लीजिएगा कुवतुल इस्लाम मस्जिद, ये भारत की पहली मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, कुवतुल इस्लाम मस्जिद। नोट कर लीजिएगा भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया जिसका नाम है कुवतुल इस्लाम मस्जिद। नोट कर लीजिएगा बेटा भारत की प्रथम मस्जिद जिसे हम कुवतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, भारत की प्रथम मस्जिद ये कहाँ है, ये दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर स्थित है, दिल्ली मेहरौली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से काफी लोगों ने देखा होगा दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर स्थित है। देखिए केरला की बात आप कर रहे हैं बेटा, ये कुछ लोग कहते हैं कि केरला में भारत की पहली मस्जिद बनाई गई, लेकिन क्या है ना एनसीईआरटी को बेटा फर्स्ट रखना है, एनसीईआरटी में देखना कि भारत की पहली मस्जिद किसको कहा गया, तो एनसीईआरटी में बेटा अभी तक जो रिसर्च है उसमें तो इसी को कहा जाता है, चूंकि यूपीएससी के जो बेस से क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी को ही मानते हैं, तो इसलिए यहाँ आप सही कह रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल आप सही हैं कि केरला में बनाया गया होगा, लेकिन एनसीईआरटी में बेटा यही लिखा है तो हम लोग तो इसी की बात करेंगे ना, बाद में अगर एनसीआरटी चेंज करती है केरला की में मानती है कि पहली मस्जिद बनाई गई तो वो अलग बात होगी। वो यहाँ तक क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीजें समझ में आ रही। तो कुवतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया, ठीक है ना। अच्छा कुछ चीज़ें और हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कहा जाता है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में अगर कोई आदमी कुछ मांगने आता था तो ऐबक उसको कभी खाली नहीं जाने देता था, यानी उसकी एक कह सकते हैं कि पर्सनल उसकी वो थी, विशेषता थी कि वो अपने दरबार में आने वाले किसी व्यक्ति को खाली नहीं जाने देता था, उसकी दामन उसकी झोली भर देता था। यही कारण है कि लोग उसे उस जमाने में लाख बख्श कहा करते थे, क्या कहा करते थे बेटा, लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहास में लाख बख्श भी कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला। ये नाम जो है बेटा जनता ने उसको दिया था लाख बख्श, है ना, यानी आप लिख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहास में एक दानी सुल्तान के रूप में भी याद किया जाता है, उसको इतिहास में लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुब मीनार हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था बेटा, ये चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अच्छा एक चीज़ और बेटा बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को एक दानी सुल्तान के रूप में याद किया जाता है, उसे लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि उसके दरबार में अगर कोई भी आदमी मांगने के लिए आता था तो उसे खाली नहीं जाने देता, तो
ये उसकी एक पर्सनल क्वालिटी थी, विशेषता थी। ये भी कहा जाता है कि वो इस्लाम धर्म की जो पवित्र पुस्तक है कुरान जिसको कहते हैं, उसका भी विशेषज्ञ था। कहा जाता है कि कुरान की उसे समझ थी, उसे जानकारी थी, उसका वो एक्सप्लेनेशन कर सकता था, इसलिए उसे इतिहास में कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी नोट कर लीजिएगा बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहास में कुरान खान के नाम से भी जाना जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? कुरान खान, क्योंकि उसे कुरान में विशेषज्ञता प्राप्त थी, वो कुरान का एक्सप्लेनेशन कर सकता था, उसके बारे में बता सकता था, इसलिए उसे इतिहास में कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक चीज बेटा समझना है कि इतनी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी उसके साथ थी, यहाँ एक चीज समझना है कि अगर मान लीजिए प्रश्न आए कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, किस जाति से था, तो आप समझ ही गए होंगे कि वो तुर्क था। क्या था बेटा? तुर्क था। ये लोग मध्य एशिया से आए थे, भारत पर शासन कर रहे थे, रूलिंग कर रहे थे, ये लोग क्या थे? तुर्क थे। और वैसे वो था क्या? पहले वो गुलाम था, बाद में उसने एक परवाना मंगाकर, एक प्रशस्ति पत्र मंगाकर स्वयं को स्वतंत्र करा लिया था। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक चीज बता रहा था आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद, जब वो मरा, जब उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो अब मैं बता रहा था कि जब उसकी मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो दिल्ली में बड़ा ही संकट के बादल मंडराने लगे। यहाँ पे मसला ये था कि एक तो ऐबक का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसको बनाया जाए। तो कहा जाता है कि दिल्ली के जो अमीर थे वो घबरा गए थे कि क्या किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि विद्रोह हो जाए, बगावत हो जाए। तो उन्होंने एक बच्चे को सुल्तान बना दिया और ये कहा कि ये ऐबक का बेटा है। लेकिन इस पर डाउट है कि वास्तव में वो ऐबक का बेटा था कि नहीं। तो आराम शाह नाम के एक युवा व्यक्ति को, आराम शाह, नोट कर लीजिएगा बेटा, आराम शाह नाम के एक युवा को दिल्ली का नया सुल्तान बना दिया। ये ऐबक के मरने के बाद, कई बार आईएएस में, कई बार यूपीएससी में प्रश्न आएगी, सीक्वेंस बताइए ऐबक के बाद कौन सुल्तान बना। तो बच्चे गलत करके तुतमिश को लगाते हैं, लेकिन नहीं, आराम शाह को सुल्तान बनाया गया ऐबक के मरने के बाद। ठीक है बेटा? तो यहां इस चीज को देखना है कि आराम शाह को सुल्तान बना दिया गया। अच्छा, आराम शाह एक युवा था, अच्छा योग्य नहीं था। कहते हैं कि शराब शबाब कबाब ये तमाम चीजें। एक चीज बेटा मैं आपसे बता रहा हूं कि एक योग्य आदमी जो होता है वही चीजों की मतलब समझता है। हीरे की जो कीमत है वो कोयले की खान में काम करने वाला मजदूर नहीं जानता। मजदूर जब कोयले की खान में काम करता है तो कभी कभी उसे कोई चमकदार चीज दिखाई देती है, उसको हाथों में उठाता है और फिर फेंक देता है, कहा यार पता नहीं क्या। कोयले की खान में काम करने वाला मजदूर कभी हीरे की विशेषता नहीं बताता, हीरे की विशेषता एक जौहरी बताता है। तो अगर मान लीजिए जिंदगी में कभी आप पर कमेंट आए, कोई बोलता है अरे यार ऐसा लड़का है वैसा लड़का है, बहुत कमेंट आते हैं बेटा, तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप क्या हो, आपकी कीमत कौन बता बताएगा जो आपके बारे में जानता हो, जो आपके रास्ते के बारे में जानता है, जो यूपीएससी के बारे में जानता होगा उसको पता होगा कि आपकी क्या अहमियत है, क्या क्वालिटी, तो घबराना नहीं चाहिए। और मैंने कल बताया था कि जिस पेड़ पे फल होते हैं ना, पत्थर उसी पे आते, कभी खाली पेड़ पे पत्थर लोग नहीं मारा। ठीक है, तो यहां पे आराम शाह जो था वो अयोग्य आदमी था, उसको बिल्कुल शासन का अनुभव नहीं था, पता नहीं था। मेरा मानना है कि कैसे पता होता, वो बना दिया गया था। तो आराम शाह को सुल्तान बना दिया गया, शराब शबाब कबाब में डूबे रहते, दिल्ली के सरदार बड़े परेशान थे। देखिए साहब, जब जहाज जो है समंदर में तैरती है ना,
और जब समंदर में उफान उठने लगता है ना, तो जहाज के लोगों की नींद उड़ जाती है। समंदर में तैरना अच्छा जरूर लगता है, लेकिन समंदर में जब उफान उठते हैं बेटा, समंदर में तूफान आते हैं ना, तो जहाज पे सवार लोगों की जान जो है वो उनके हथेली पे आ जाती। तो ये एक जहाज की तरह से था जिस पे सवार जो लोग थे वो घबरा गए थे कि अब क्या होगा, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कि एबक को जितना अनुभव था, जितना उसको एक्सपीरियंस था, और किसी को नहीं था। तो अब बड़ी परेशानी थी, हालात बड़े खराब थे। दिल्ली में मजलिस की गई। बेटा एक वर्ड आता है मजलिस, तो मजलिस का मतलब होता है बैठक। मजलिस का मतलब क्या होता है? बैठक। नोट कर लीजिएगा, मजलिस का मतलब होता है बैठक। चूंकि मैंने आपसे क्या कहा, पूरे सल्तनत काल में आपको अरबी, फारसी और उर्दू शब्दावली आएंगे, तो मेरी कोशिश होगी कि वो आपको एक आसान लहजे में मैं आपको बता दूं। बैठक, मजलिस माने बैठक। तो दिल्ली में बैठक की गई, सारे सरदार मौजूद थे, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था क्या होगा भाई। सब एक दूसरे का चेहरा देख, एक से बढ़ के एक योद्धा थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि तूफान में लहरें उठनी, समंदर में लहरें उठनी शुरू हो चुकी थी। अब हालात बड़े अजीब हो गए, हर सरदार एक दूसरे का चेहरा देख रहा था। अरे फलाना साहब, आपने तो इतने बड़े बड़े युद्ध किए हैं, पराक्रमी आप सुल्तान बन जाओ। जरा सोचो कि संसद में यह तय हो रहा हो कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और कोई बनना नहीं चाहता। ऐसा सीन है ना, इस समय जो हालात बन रहे हैं, इस समय किसी आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया भी जाए तो भागेगा कि बारी बाप रे बाप, ये तो बड़ा दबाव का टाइम है कि नहीं। तो ऐसे ही हालात उस जमाने में, देखो समझ में नहीं आता। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है, जब बात कर्तव्य की होती बेटा ना, तो आदमी सामने नहीं आता। कलर हो रहा है यहां पे, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? जब बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है, दायित्व की होती है, तो कोई सामने नहीं आता। तब हर आदमी जो है पीठ पीछे निकलता है, इधर उधर की बात करता है। वो हालात वैसे ही थे, दिल्ली के सरदार परेशान थे कि क्या किया जाए। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, कोई कह रहा अरे सरदार साहब आप बन जाओ ना, कोई कह रहा आप बन जाओ ना। ये हालात थे वहां। तब उस स्थिति में दिल्ली के जो सरदार थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक ही आदमी है जो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, और वो आदमी था, आपको पता ही होगा, सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था बेटा कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर जज्बा और जुनून है, तो आपकी मंजिल आपको ढूंढ लेगी। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं बेटा, मुझे एक चीज याद आ रहा है इस सुल्तान के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में, कि मंजिलें खुद ही पुकारेंगी तो ठहर जाऊंगा, मंजिलें खुद ही पुकारेंगी तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूं गुजर जाऊंगा। मेरा मानना है बेटा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यकीन मानिए कि यहाँ पर मंजिल खुद जो है वो सफरी को ढूंढ रही है। सफर करने वाला, मंजिल चलने वाला मंजिल नहीं ढूंढ रहा है, मंजिल ढूंढ रही है। तो मंजिल ढूंढती है, यूपीएससी तलाश करती है, कौन सा आदमी है, कौन सा लड़का है जो मेरे पैटर्न में आने के लायक। यकीन मानिए यूपीएससी को आपकी तलाश है। आप सोचते हो कि मैं यूपीएससी की तलाश कर रहा हूं, आप गलत। यूपीएससी आपके इंतजार में बैठी है, पलकें बिछाए बैठी है कि कौन सा मेरा कैंडिडेट है जो वो क्वालिटी दिखाएगा जिस क्वालिटी की हमें ज़रूरत है। यहाँ तो इल्तुतमिश ने अपनी क्वालिटी दिखाई, मंजिल बुला रही थी इसको। दिल्ली के सरदारों ने लेटर लिखा कि इल्तुतमिश, तब इल्तुतमिश जो है बदायूं का गवर्नर हुआ करता था, इक्तेदार था। कहाँ का? बदायूं, देख रहे ना बेटा, बदायूं का यह गवर्नर था। तो दिल्ली के सरदारों ने लेटर लिखा कि भैया चले आओ और आकर यहाँ पे सिस्टम संभाल लो। जब लेटर इल्तुतमिश को मिला, इल्तुतमिश ने कहा कि भाई मैं तो यहाँ बहुत अच्छा वाला हूँ, मस्ती में हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं। यकीन मानो बेटा, जिसके अंदर कुछ होता है, जिसके अंदर दमदारी होती है ना, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं उसको, क्योंकि उसे पता है कि ढूंढने वाले उसको ढूंढ लेंगे। गुड़ जो है
उसको बिल में फेंक दो, चीटी ढूंढ लेगी। यानी अगर क्वालिटी है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। इत्र की शीशी है बेटा, कहीं कमरे में रख दो, लोग पूछेंगे कि यार इसके अंदर जरूर कुछ है, क्या महक रहा है, क्या महक रहा है, और फिर एटलीस्ट उसको ढूंढ लिया जाएगा। इत्र की शीशी को बताने की जरूरत नहीं होती कि वो कहाँ है और क्या है, लोग उसे ढूंढ लेंगे। तो यहां पे सबसे बड़ी चीज तो यही है कि अपने अंदर क्वालिटी पैदा करिए, अपने अंदर वो चीज पैदा करिए बेटा जिसकी जरूरत यूपीएससी को है। आईएएस आईएएस पीसीएस पीसीएस रटने से कामयाबी नहीं मिलेगी। इंप्रूव योर क्वालिटी, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करिए। हर दिन अपने बारे में सोचो, 5 मिनट दो कि मैं जो कर रहा हूं, जिस तरह कर रहा हूं, क्या वो सही है। और अगर आपका दिल कहता है कि सही है तो आप गो अहेड, आगे बढ़िए। और अगर लगता है कोई कमी है तो उसको दूर करो बेटा, क्योंकि समय निकल जाने के बाद कोई मतलब नहीं। यहां पर आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं बेटा, आप लोगों से मुझे लगाव है, मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा लगाव रखता हूं, मेरे जितने भी स्टूडेंट स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और मेरा मकसद है कि इस यूट्यूब पे हमारी जो क्लास चल रही है, ये सिर्फ क्लास ही ना हो, ये वे ऑफ द सक्सेस बन जाए आपके लिए। आपके अंदर जो आग है वो आग आपके सीने से फट के बाहर निकले और आप रिकॉर्ड पैदा करो। अभी भी हिंदी मीडियम में पहला जो है टॉपर आना बाकी है, और हमारी जो अनअकैडमी है, हमारी जो टीम है, वो चाहती है कि वो आपसे निकाला जाए, आप में से बच्चों को सेलेक्ट कराया जाए। तो मैं एक चीज बता रहा था यहां पर कि इल्तुतमिश जो था उसको मंजिल बुला रही थी, मंजिल की तलाश थी, मंजिल तलाश रहा था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कहा कि ना भाई, हम तो मस्त हैं, हम तो आराम से हैं, जो समंदर है उसे बताने की जरूरत नहीं, हमने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, खामोशी से रहना और अपनी मौज में बहना। बैठ जाता हूं मैं अक्सर जमीन पर क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, समंदर को बताने की जरूरत नहीं कि मैं समंदर हूं, समंदर है तो है। तो अब यहां पे देखिए, इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना, भाई आप शासन संभालो, आप सल्तनत करो, मैं मस्त हूं। लेकिन दिल्ली से फिर मैटर आया, फिर लेटर आया कि मेरे भाई हम डूबेंगे, तुम भी डूब जाओगे, जहाज में ही तो हो ना, तो जहाज डूबेगी तो तुम भी जाओगे, इसलिए इसलिए जहाज में कैप्टन का पद संभाल लो। अब इतने दबाव आ रहे थे, इतने दबाव आ रहे, इल्तुतमिश समझदार आदमी था, इतने दबाव आ रहे थे, उसने कहा चलो भाई चलते हैं। और उसे पता था कि हालात इतने खराब थे कि इतना आसान नहीं था, मंजिल इतनी आसान नहीं थी, बहुत दुश्वारियां थी। और वैसे भी बेटा जिसके अंदर दम होता है वो कठिन समय में ही बाहर निकलता है, जो दमदार लोग होते हैं वो बुरे समय में ही बाहर निकलते हैं। समझ में आ रहा है यहां पे क्या है, आप हिंदुस्तान के क्रीम स्टूडेंट हैं। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क लिया है, वो रिस्क ले रहे हो जिसमें पूरा करियर आपका, तो यू आर द क्रीम स्टूडेंट ऑफ द इंडिया, आपके कंपेयर कोई नहीं है बेटा। आप ऐसी कश्ती में सवार हो जो कश्ती धारा के विपरीत चल रही है, तो अपने आप को हल्के में मत लेना कभी भी, मुस्कुराओ, स्माइल करो, क्योंकि तुमने जिंदगी में रिस्क लिया है, क्योंकि नो रिस्क नो गेम। तो अब यहां पे चीजों को देखना, इल्तुतमिश दिल्ली में आता है, वो सरदार जो दिल्ली के सरदार थे, अमीर थे, वो सिर पे ताज रखते हैं, सुल्तान बनाया जाता है। इल्तुतमिश को पता था कि इस ताज में फूल नहीं, कांटे हैं कांटे। और यकीन मानो बेटा, जिंदगी का दूसरा नाम यही है, जिंदगी का दूसरा नाम यही है कि जब से चला हूं मैं, मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने कभी भी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल जो मिले हैं विरासत नहीं मेरे,
अरे तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। यकीन मानो इंसान जिंदगी में कुछ बनता है ना, तो उसके रास्तों को देखो कैसे वो बनता है। और आप मेरे सबसे बेहतरीन और होनहार स्टूडेंट हो बेटा, थोड़ा सा कभी कभी अगर 5 मिनट में लेट हो जाऊं तो बुरा मत मानना, इसलिए भाई मैं शाम को थोड़ा पूजा करता हूं, पूजा करने के बाद मैदान में आता हूं, तो इसलिए आप लोग बुरा मत मानिएगा और 5 मिनट मेरा इंतज़ार कर लिया करिएगा। क्या बात है भाई, मेरे स्टूडेंटों का जवाब नहीं है, वाह क्या कहना है, लाजवाब हैं आप लोग, क्या बात है। मुझे इस बात पर आज बहुत फख्र हो रहा है कि मैं आप लोगों का गुरु हूँ, उस्ताद हूँ, मेरे स्टूडेंट लाजवाब हैं। यहाँ पे बेटा मैं बता रहा था कि इल्तुतमिश सुल्तान बन गया, सिर पे ताज रख दिया गया, तो चलिए नया चैप्टर शुरू किया जाए। इल्तुतमिश का नाम आप लोग नोट करिए, पहले कॉपी पर पेन से लिखे सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश, क्योंकि जाहिर सी बात है आप हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है, तो इसको नोट करिए आप लोग, कॉपी कलम उठाइए और लिखिए पहले, तब मजा आएगा। हेलो हेलो, तो इसको नोट कर लीजिए आप, और आप तैयार होंगे मैं उम्मीद करता हूं। सुल्तान बन गया इल्तुतमिश, सुल्तान बनने के बाद कठिनाइयां कम नहीं थी। पहला लेटर जो आया वो गजनी से आया, और गजनी में कौन था, ताजुद्दीन यल्दूज, उसने पहला लेटर भेजा। पहला लेटर क्या भेजा कि बेटा सुल्तान तो बन गए हो, लेकिन मेरा नाम याद रखते हो ना, मैं हूं ताजुद्दीन यल्दूज, मेरे नाम से शासन करना है तुमको, सुल्तान तुम बन गए हो लेकिन खुतबा मेरा पढ़ना। खुतबा होता था बेटा, खुतबा का मतलब ये होता था, जान लीजिए खुतबा का मतलब क्या होता है। यहां पे देखिए एक एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूंगा ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो। एक शब्द आता है खुतबा, असल में शुक्रवार के दिन जो है वो एक धार्मिक संदेश पढ़ा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, खुतबा। खुतबा क्या होता है बेटा, एक प्रकार का धार्मिक संदेश होता है जो शुक्रवार के दिन इमाम के द्वारा पढ़ा जाता है, इमाम के द्वारा शुक्रवार के दिन पढ़ा जाता है। तो उस जमाने में क्या होता था ना, जो बादशाह होते थे, जो सुल्तान होते थे, उनका नाम भी खुतबे में लिया जाता था। तो क्या कह रहा है यल्दूज कि खुतबे में मेरा नाम लेना होगा। दूसरा खत आ रहा है नासिरुद्दीन कुबाचा, वो कह रहे हैं कि भैया हम भी हैं, हमारा नाम लो क्योंकि हम करीब हैं। अब जरा सोचिए कि क्या आसान था शासन, इतनी आसानी से ताज मिलता है आदमी को। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पे। इतना आसान है क्या यूपीएस क्वालिफाई करना, आईएएस बन जाना, एक चैलेंज है जो आपने एक्सेप्ट किया है। तो सुल्तान तो बन गए, ये प्रेशर देखिए, गजनी का प्रेशर, सिंध का प्रेशर आ रहा है। भारत के राजा भी अभी क्या है, पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है, यहू है प्रेशर। नो पॉलिटिकल मैनेजमेंट, नो रेवेन्यू मैनेजमेंट, कुछ भी तो नहीं था। लेकिन उससे भी बड़ी चीज मैं आपसे बता रहा हूं बेटा, उससे भी बड़ी चीज, देखिए देखिए आपके अंदर दम है, समय इम्तिहान लेगा, जरूर लेगा, लेकिन गुरु की तरह नहीं, पहले वो इम्तिहान लेगा तब आपको बताएगा। टीचर जो है पहले पढ़ाता है फिर बताता है, लेकिन टाइम जो है पहले पहले इम्तिहान लेता है फिर सिखाता है बेटा। तो यहां पर देखिए परिस्थितियां कितनी ज्यादा विपरीत थी, यहां पे देखिए सबसे खतरनाक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं,
मैं एक ऐसा नाम लेने वाला हूं जिस नाम को मध्यकाल में लोग लेने से डरते थे। मेरा कोई स्टूडेंट बता दे कि मैं कौन सा नाम ले रहा हूं, वो कहता था कि मेरा नाम मौत है, सीधे कहता था। दूसरा नाम था मौत, सीधे वो जिस शहर को जाता था शमशान बना देता, लाशों के ढेर लगते थे, खून की नदियां बहती थी। वो कहता था कि मुझे चीखें पसंद हैं, मुझे चीखें सुनाओ, मरते हुए लोगों की चीखें बताओ, लोगों के कराने की आवाज सुनाओ। वो मौत था अपने समय। कौन सा स्टूडेंट है मेरा जो बताएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं? जी हां, भरत कुमार ने मुझे बता दिया कि उस मौत का नाम था चंगेज खान। चंगेज खान, जी हां, स्क्रीन पे देखो आप लोग, इस भयानक आदमी का नाम था चंगेज खान। दुनिया में बहुत कम आपने लोगों को सुना होगा जिसे मरते हुए लोगों की चीखें सुननी पसंद हो, जो महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों को कत्ल करता था, जिस भी शहर में जाता था उस शहर का इतिहास बदल देता था। नाम था चंगेज खान, मौत का दूसरा नाम चंगेज खान। यकीन मानिए, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे इस आदमी के नाम को सुनकर। खौफ का पर्याय चंगेज खान। चंगेज खान जो है वो 1221 ईस्वी में भारत की सीमा में आ चुका था। 1221 में चंगेज खान, जी हां। अब आप घबराने की बेटा जरूरत नहीं है, मैदान छोड़ के भागना नहीं है। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो मैदान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भागना नहीं है यहाँ पे। अगर आप भाग जाओगे स्क्रीन से तो फिर समझ लो कि मजा नहीं आएगा। टीचर का मनोबल मेरा मानना है स्क्रीन पे बने रहना है। थोड़ा सा दर्दनाक स्टोरी है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं अंदर से कि कहाँ भागे। भागना नहीं है बेटा, यहाँ पर टिके रहो मैदान में, क्योंकि बहुत से ऐसे वैसे लोगों से आपका सामना होगा सिलेक्शन के बाद। तो अभी भाग जाओगे तो मजा नहीं आएगा। कहां स्क्रीन से कोई भागेगा नहीं, कोई हटेगा नहीं। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग हटने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन से। भागना नहीं है मैदान छोड़ के। कहा जाता है कि मध्य एशिया में उसका जन्म हुआ। जब वो पैदा हुआ था तो उसके दोनों हाथों में खून लगा था। उसके हाथों को देखकर उस समय के लोगों ने बताया था कि जब ये बड़ा होगा तो ये खून से रंग देगा बहुत से जगहों को, और यही हुआ। यकीन मानिए, जब वो जन्मा था तो उसके हाथों में खून लेके पैदा हुआ था। नाम था बचपन का तैमूजिन। ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, 2015 पीटी में क्वेश्चन आया था, चंगेज खान के बचपन का नाम बताइए क्या था? तैमूजिन। तैमूजिन बेटा नोट करिए आप लोग, कोई भागेगा नहीं, कोई मैदान नहीं छोड़ेगा। अगर वो हट गया मैदान से तो फिर बेटा मनोबल मेरा क्या है, मैं मुझे बहुत तकलीफ होगी जो मेरा स्टूडेंट स्क्रीन से हट जाएगा। सब लोग मौजूद रहिएगा, नाम लिखिए तैमूजिन। तैमूजिन बचपन के नाम था चंगेज खान का। वो मध्य एशिया में एक मुखिया का बेटा था, जी हाँ। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का कत्ल किया, हत्या की गई, उसे गुलाम बनाया गया। मध्य एशिया में जब किसी को गुलाम बनाया जाता था तो उसके गर्दन में लकड़ी का एक चक्र डाल दिया जाता था। वो जहाँ जहाँ जाता था वो इस बात की दलील थी कि वो एक गुलाम होता था। अब यहां पर देखना है बेटा, चंगेज खान के बाप की हत्या उसकी आंखों के सामने की गई, उसे गुलाम बनाया गया, वो दर दर की ठोकर खाता था, लेकिन एक दिन उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। कहा जाता है कि मध्य एशिया में एक जनजाति थी जिसका नाम था मंगोल। तो आप नोट कर लीजिएगा, मध्य एशिया में एक जनजाति हुआ करती थी जिसका नाम था मंगोल। मंगोल जो लोग थे वो आग की पूजा करते थे,
मंगोल एक जनजाति थी, ये लोग आग की पूजा करते थे। कहा जाता था कि ये लोग लड़ाकू जनजाति से संबंधित थे, आपस में लड़ते थे, मार काट करते थे। तो नोट कर लीजिएगा इसको, चंगेज खान ने इन्हीं मंगोलों को एकजुट कर दिया, एक झंडे के नीचे ला दिया और एक महाशक्ति का निर्माण किया। अब यहां पर देखना है, चंगेज खान ने उन मंगोलों को एक झंडे तले खड़ा किया जो खूंखार थे, एक दूसरे की हत्या करने में बिल्कुल उन्हें तकलीफ नहीं होती थी। और चंगेज खान ने इसी मंगोल सेना के साथ पूरे मिडिल एशिया को रौंद डाला। कहा जाता है कि चीन एक बार उसे चीन के सम्राट ने बुलाया, क्योंकि चंगेज खान पहले लूटमार का काम करता था। चीन का सम्राट बहुत परेशान था कि चंगेज को कैसे समझाया जाए। उसने एक बार चंगेज खान को चीन बुलाया। चंगेज खान को एक समारोह में चीन के सम्राट ने चंगेज खान की उपाधि से सम्मानित किया। यानी चंगेज खान एक उपाधि थी बेटा। चंगेज का मतलब होता है दुनिया का सबसे कीमती हीरा। यकीन मानो आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम चंगेज नहीं रखा, इतना भयानक आदमी था वो। कहा जाता है कि चीन में घुसकर चीन के सम्राट की हत्या उसने की। कहा जाता है कि एक दिन चीन के सम्राट ने प्लान किया कि चंगेज को मौत की नींद सुला देना है। इससे पहले कि चंगेज को मारा जाता, चीन के सम्राट एक दिन एक बहुत विशाल गेट का अनावरण कर रहा था। उसमें बारूद, पहले से चंगेज खान ने बारूद सेट कर दिया था और इतना भयानक विस्फोट हुआ कि चीन का सम्राट उस दरवाजे में, उस विशाल द्वार में दबके मर गया। यानी उसी राजा के देश में घुसकर उसी की हत्या की चंगेज खान ने, और चीन की पूरी हिस्ट्री को बदल दिया था चंगेज खान ने। तो फिर इसके बाद मैं आपसे बताऊं कि फिर ईरान, फिर उसके बाद मध्य एशिया, फिर रूस, दुनिया के कई देशों को इसने बर्बाद कर दिया। और फिर ईरान पर जब इसने हमला किया तो ईरान का जो शहजादा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी, ये भाग कर भारत की सीमा में आ गया। यहाँ देखना है बेटा, जलालुद्दीन मंगबरनी ईरान का राजकुमार भाग कर भारत की सीमा में आ गया और उसने भारत के सुल्तान इल्तुतमिश से ये याचना की, ये निवेदन किया कि सुल्तान आप मेरी सुरक्षा करिए। यहाँ पे बेटा गौर करना है, इल्तुतमिश से ईरान के शहजादे यानी राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी, नोट कर लीजिएगा, जलालुद्दीन मंगबरनी ये ईरान का राजकुमार था जो भारत की सीमा में आ गया था। इसने सहायता मांगी सुल्तान इल्तुतमिश से कि मेरी मदद करिए, मेरे पीछे मौत लगी हुई है। जी हाँ, इल्तुतमिश बड़ा मुश्किल में था कि क्या किया जाए, क्योंकि चंगेज खान पीछे था। चंगेज खान भी इसी ताक में था कि जलालुद्दीन मंगबरनी को जैसे ही भारत में एंट्री मिलेगी वैसे ही वो भारत में एंट्री कर जाता। फिर बेटा शायद अगर चंगेज खान भारत में आ जाता तो मेरा मानना है कि शायद हम लोग किसी कोई और इतिहास इस समय पढ़ रहे होते। ये तो यकीन मानिए कि सौभाग्य था कि उस समय इल्तुतमिश जैसा समझदार सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर था। अब देखिए, दिल्ली का दरबार है, इल्तुतमिश सिंहासन पर है, शहजादा राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का दूत खड़ा है और लेटर पढ़ रहा है कि ईरान के शहजादे आपसे मदद मांग रहे हैं, उन्हें भारत में शरण दीजिए। इल्तुतमिश बड़ा परेशान है कि क्या होगा अगर मैं ईरान के शहजादे को एंट्री करता हूं, अंदर बुलाता हूं तो मौत अंदर आएगी, चंगेज खान अंदर आएगा और फिर सल्तनत खत्म हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये 1221 ईस्वी की बात है बेटा, 1221 ईस्वी की घटना है, ध्यान देना है यहां पर, 1221 ईस्वी की घटना है। सल्तनत के दिल्ली दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। एक तरफ चंगेज खान मौत बनकर पीछे खड़ा था, दूसरी तरफ जलालुद्दीन मंगबरनी जो शरण मांग रहा था, वो कह रहा था
कि भारत से हमारी पुरानी दोस्ती है, यहाँ पर अतिथियों को शरण दिया जाता है, आप मेरी मदद करिए। दूसरी तरफ इल्तुतमिश विचार में था कि क्या किया जाए, अगर शरण देंगे तो मौत अंदर आएगी, जब मौत अंदर आएगी तो सब खत्म हो जाएगा। यकीन मानिए, यहाँ आप मेरे साथ क्लास में डूब चुके हैं, मैं आपको बाहर वापस बुला रहा हूँ, बेटा वापस आइए। और स्क्रीन पे देखिए 9 बज चुका है और ये मेरे क्लास के खत्म होने का समय आ चुका है, तो मैं इस कहानी को यहीं रोक रहा हूँ और आपको मैं मुश्किल में डाले जा रहा हूँ कि आज रात आप किताब खोल के देखिएगा कि क्या हुआ था। अगर नहीं देख पाए तो कल मैं बताऊंगा कि क्या हुआ था, कैसे इस समस्या का निदान हुआ था। तो बेटा मैं बता दूं कि अनअकैडमी के प्लस चैनल पर मेरी क्लास 11 बजे से चल रही है। जो बच्चे अनअकैडमी में एंट्री लेना चाहते हैं, जो उत्सुक हैं, उनको बता दूं कि वो सब्सक्रिप्शन ज़रूर अनअकैडमी में ले, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये लॉकडाउन ऑफर चल रहा है, 2 साल, साल भर 2 साल का जो प्लान है स्क्रीन पे मैंने बता दिया है। और मेरा जो ये प्रोमो कोड है, जो ऑफर कोड है, ये एक तरह का जो है गिफ्ट है आपके लिए, MNUS, इसको लिख लीजिएगा, एडमिशन लेते समय इसको यूज करिएगा। और आज के लिए बेटा गुड नाइट, शब खैर, बस इतनी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। मुसीबत